हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के पीताम्बरगंज में बदमाशों ने 25 लाख की लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने गर्भवती महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के घर में घुसते समय महिला अकेली थी। महिला के गेट बंद करते समय बदमाश चाकू दिखाकर घर में घुस गए। धारदार हथियारों से लैस तीन बदमाशों ने महिला से मारपीट करते हुए लूटपाट की और महिला से चाबी लेकर 1 लाख नकदी सहित 25 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। शहर में 25 लाख लूट की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई। आपको बताते चले, रेलवे गंज के निवासी स्वर्गीय ओम नारायण दुबे की पत्नी कांति दुबे के घर शाम करीब 6 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में अकेली बहू मुस्कान दुबे के चाकू व पिस्तौल लगाकर लॉकर की चाबी मांगी और घर में 1 लाख की नकदी सहित शादी के लिए लाए गए 25 लाख के जेवर लूट कर भाग गए। मुस्कान दुबे गर्भवती है, वह इतनी डर गई कि उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुस्कान के बयान दर्ज करने में जुटी है। छोटे बेटे शुभांत दुबे की जुलाई में शादी थी और उसकी बहन की शादी भी दिसंबर में होनी है। स्वर्गीय ओम प्रकाश दुबे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे। सरेशाम इस लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त थी। एसपी की निगरानी में शहर कोतवाली पुलिस व फील्ड यूनिट टीम जांच करने में जुटी। शनिवार को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा मामले का खुलासा किया गया। स्कूल की शाम को शहर में रेलवेगंज चौकी के अंतर्गत एक सूचना प्रेषित की गई कि एक घर में घुस करके तीन बदमाशों द्वारा गर्भवती महिला पर हमला किया और 25 लाख की लूट कर ली। इसके अभियोग दर्ज करके, चूँकि इतनी सनसनीखेज घटना थी, इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन घटना घनी आबादी में होने के बावजूद इसका खुलासा नहीं हो पाता। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कहीं भी तीन बदमाश आते जाते नहीं दिखाई दिए। इसी क्रम में मेरे द्वारा ये जनपदीय पुलिस के साथ साथ स्वाट सर्विलेंस एसओजी लगाया गया और आज दिनांक 2 अप्रैल को ये खुलासा हुआ है कि जो तब समय पीड़िता बताई गई थी, उसके द्वारा स्वयं अपने ननद के जो कि शादी हो रही थी उसके गहने और अन्य सामान चुरा करके और अपनी एक जानने वाली महिला को दे दिया था, जिसका नाम अनिता गुप्ता है। इसमें षड्यंत्र में इसकी बहन तनु भी शामिल है और एक अन्य व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। समस्त माल, समस्त गहने, जो रुपए बताए गए थे, सब बरामद कर लिए गए हैं।